बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर नम्रा है और आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है लिवर अब्सेस। ठीक है, लिवर अब्सेस को पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि बेसिकली अब्सेस होती क्या है और लिवर अब्सेस क्या होती है। तो ये सबसे पहले ये है कि व्हाट इज लिवर अब्सेस। लिवर अब्सेस क्या है कि मैस फिल्ड विद पस इनसाइड द लिवर। ठीक है, मैस फिल्ड विद पस जो है वो अब्सेस होगी और वो लिवर में जब होगी तो उसको हम लिवर एब्सेस जो है वो कह देते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है, उससे पहले हम देखते हैं कि लिवर एब्सेस दिखती किस तरह की है। ये देखिए जी, ये मैस है एक बना हुआ। ठीक है, पसी फ्लूइड सा ये इस तरह का नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये जो है वो उसको हम कह देंगे कि ये एक एब्सेस है, लिवर में है तो लिवर एब्सेस है। ठीक है, अगर हम इसको ये देखें, ये सीटी स्कैन पे हमें कुछ इस तरह की पिक्चर जो है वो नजर आती है। सीटी, जब हम सीटी लिवर या सीटी एब्डोमेन करते हैं तो इस तरह की अब्सेस हमें उस पे जो है वो नजर आती है। अब अगर हम इसको अल्ट्रासाउंड पे देखें, यूएसजी पे देखें हम इसे, यूएसजी लिवर या यूएसजी एब्डोमेन पे, तो हमें अब्सेस की कुछ इस तरह की पिक्चर ये नजर आती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम कॉजेज देखें, अब ये लिवर अब्सेस बनती क्यों है, कौन सी वजूहत है जिनकी वजह से लिवर अब्सेस बनती है, तो उसमें सबसे पहले एब्डोमिनल इन्फेक्शन है। एब्डोमेन में अपेंडिक्स पड़ी है, अपेंडिसाइटिस हो जाएगा, तब हो जाएगी। डायवर्टिकुला बन जाता है इंटेस्टाइन का, तो डायवर्टिकुलाइटिस की वजह से। ठीक है, यहाँ बाउल परफोरेट हो जाए किसी भी कॉज की वजह से, कोई ट्रॉमा हो जाए, कोई इंजरी हो जाए। ठीक है, उसके बाद अगर ब्लड की इन्फेक्शन है, बैक्टेरीमिया सेप्टिसीमिया, उसकी वजह से बाइल ड्रेनिंग ट्यूब जो है, बाइल डक्ट्स हैं उनकी इन्फेक्शन की वजह से, एंडोस्कोपी हुई हो रिसेंट बाइल ड्रेनिंग ट्यूब की उनकी वजह से, और लिवर डायरेक्टली डैमेज हो जाए, कोई ट्रामा हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई इंजरी हो जाए, कोई स्टैब हो जाए लिवर पे, तो उसकी वजह से भी एब्सेस जो है वो बन सकती है। ठीक है, उसके बाद जो है हम देखते हैं कि इसकी जो है वो डिफरेंट टाइप्स हैं इस लिवर एब्सेस की। ठीक है, उसमें है, सबसे पहले आती है पायोजेनिक लिवर एब्सेस। ठीक है, अदर टू आर अमीबिक लिवर एब्सेस और हाइड्रेटेड लिवर एब्सेस। ठीक है, तो जो पायोजेनिक लिवर एब्सेस है, सबसे पहले हम देखते हैं वो है क्या। पायोजेनिक लिवर एब्सेस जो है, पस फिल्ड कैविटी है, ये देखें जी, ये कैविटी सी नजर आ रही, पस फिल्ड कैविटी में कॉज बाय इन्फेक्शन, वही कॉजेज है इन्फेक्शन, इलनेस या ट्रॉमा की वजह से, तो ये पायोजेनिक लिवर एब्सेस बन जाती है। ठीक है, पायो का मतलब ही पस होता है, तो ये पायोजेनिक लिवर एब्सेस इस तरह से बनती है। ठीक है, अब अगर हम देखें कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, अगर हम इसकी पैथो देखें तो वो क्या है कि इसमें जो है डिफरेंट कॉजेज आते हैं। कॉन्टेजियस स्प्रेड के थ्रू हो सकती है, हेपेटिक आर्टरी के थ्रू इन्फेक्शन हो सकती है, पोर्टल वेन के थ्रू और बाइल डक्ट के थ्रू, ये चार रूट्स हैं इन्फेक्शन के, इनमें से किसी की थ्रू इन्फेक्शन होगी तो पायोजेनिक लिवर एब्सेस बन जाएगी। ठीक है, अब पेशेंट हमारे पास किस तरह से प्रेजेंट करेगा, पेशेंट क्या कह के आएगा कि ये है, मुझे क्या मसला है। पेशेंट कहेगा जी मुझे सर्दी लग के बुखार चढ़ता है, या बुखार लग चढ़ जाता है और उसके बाद सर्दी लगती है। ठीक है, मेरी उल्टियां नहीं रुकती, मुझे पेट के इस हिस्से में हाथ लगा के वो बताएगा, राइट अपर एब्डोमिनल पेन उसको होगी और वो कहेगा जी कंधे तक मेरे जो है ना, दाएं कंधे की तरफ जाती है। ठीक है, उसके बाद मेरा वजन जो है ना चंद दिनों में बहुत ज्यादा घट गया है, मेरे कपड़े जो है वो खुले हो गए हैं, मुझे जो पेशाब है वो बहुत ही गहरे रंग का आता है, डार्क कलर यूरिन आता है। ठीक है, मेरा जो पखाना है या मेरा स्टूल जो है वो हल्के मिट्टी रंग का है, ठीक है, क्ले कलर स्टूल उसके होंगे। मेरी जो है, मेरा पखाना नहीं रुकता, पानी की तरह मुझे जो है पखाना आता है। ठीक है, डायरिया उसको रहेगा। और जब हम साइन देखेंगे, ये तो सारे हो गए ऊपर सिम्टम, साइन जब हम उसको पैल्पेट करेंगे तो लिवर इनलार्ज हमें मिलेगा, हेपेटोमेगैली हमें मिलेगी, और जो होगी टेंडर हेपेटोमेगैली होगी। ठीक है, पेशेंट को दर्द होगी जब हम उसे हाथ लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसका डायग्नोसिस देखें, हमने सबसे पहले सीबीसी कराना है, सीबीसी पे हमने देखना है कोई इन्फेक्शन, ल्यूकोसाइट्स लिम्फोसाइट वगैरह रेस तो नहीं है, इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन तो नहीं है। अल्ट्रासाउंड लिवर हमने कराना है, सीटी एब्डोमेन कंट्रास्ट के साथ कराना है, चेस्ट एक्सरे में कोलैप्स राइट लंग होगा क्योंकि राइट साइड का लिवर, राइट साइड पे लिवर पड़ा है वो इनलार्ज हुआ हुआ है, तो राइट साइड का लंग जो है जगह उतनी सी है तो वो लंग जो है वो कोलैप्स कर जाएगा। उसके बाद हम नीडल एस्पिरेशन पे पस निकालेंगे और उसका कल्चर करेंगे कि कौन सी वजह है, कौन सा बैक्टीरिया है जिसने ये पस बनाई हुई है। ये देखें जी, ये यूएसजी की पिक्चर, ये मैंने ऊपर भी दिखाई है अल्ट्रासाउंड, इस तरह की हमें पिक्चर जो है वो लिवर एब्सेस की पायोजेनिक की नजर आएगी, और सीटी अगर हम देखें तो वो हमें इस तरह से कुछ एब्सेस जो है वो बनी हुई नजर आएगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम मैनेजमेंट इसकी करें तो पायोजेनिक लिवर एब्सेस की मैनेजमेंट किस तरह से करनी है कि लेस देन 5 सेंटीमीटर, ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर और यूनिलोकुलर, और ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर या मल्टीलोकुलर। क्या क्या है, अगर लेस देन 5 सेंटीमीटर हो तो उसको एक्सक्लूसिव एंटीबायोटिक पे रखना है पेशेंट को, और उसको रीअसेस करना है 48 और 72 आवर्स के बीच में। अगर ये मेथड फेल हो जाता है तो परक्यूटेनियस ड्रेनेज कर देना है।
जो ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर है और यूनिलोकुलर है, एक ही जगह पे अगर अब्सेस पड़ी हुई है तो उसका पर्क्यूटेनियस ड्रेनेज कर देना है और उसको रीअसेस करना है 42-78 आवर्स में। अगर मेथड फेल हो जाता है तो सर्जिकल अप्रोच की तरफ जाना है, ठीक है। अब सर्जिकल अप्रोच और किन सूरतों में करनी है, अगर ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर है, मल्टीलोकुलर है, थिक वॉल है, पस है, नेक्रोसिस है, हमें एक्सेस ही नहीं मिल रही कि एब्सेस कहाँ पे पड़ी है और कॉम्प्लिकेशन हो गई, पेरिटोनाइटिस वगैरह होना शुरू हो गया, इन्फेक्शन होनी शुरू हो गई एब्डोमेन में, हेपेटोबिलरी डिजीज कोई चल रही है साथ साथ, तो हम सर्जिकल अप्रोच करेंगे। सर्जिकल अप्रोच में ओपन सर्जरी और लैप्रोस्कोपी, ये दोनों अप्रोच हम यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद अब सेकेंड आ जाती है हमारे पास हाइड्रेटेड लिवर अब्सेस, ठीक है। हाइड्रेटेड लिवर अब्सेस सिस्टर्स इकाइनोकोसिस, इकाइनोकोकस को हम हाइड्रेटेड डिजीज भी कहते हैं और ये इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसिस एक ऑर्गेनिज्म है उसकी वजह से होती है, ठीक है। इस तरह की सिस्ट बनती है, इसके डार्टर सिस्ट अंदर बनी हुई है, ये स्कॉलिसिस है, ये जो शेड करते हैं तो ये दोबारा से सिस्ट बना देते हैं। इसकी 3 लेयर है, जर्मिनल लेयर, ठीक है, लैमिनेटेड मेम्ब्रेन और सबसे आउटर वाली एडवेंटिशिया, ठीक है। ये होती है इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसिस, इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है और ये इस तरह से अब्सेस। अब ये देखना है कि बनती किस तरह से है, बंदे के लिवर तक कैसे पहुंची। इसके जी 2 होस्ट हैं, एक डेफिनेटिव होस्ट है और एक इंटरमीडिएट होस्ट है, ठीक है। ये डेफिनेटिव होस्ट से इमेच्योर फॉर्म इसकी आई, इमेच्योर फॉर्म में एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हुई। ये वही डॉग है, यही वाला डॉग ये इधर है, ये इसने जो है फीसिस में एग ले किया, वो एग इंटरमीडिएट होस्ट या शीप ने खा लिया और वही एग ह्यूमन के अंदर चला गया और ह्यूमन के जिस जिस ऑर्गन में गया वहां पे हाइड्रेटोसिस स्टार्ट हो गई, वहां पे जो है ना इसने तबाही मचाना शुरू कर दी। इंटरमीडिएट होस्ट ने क्या किया, उसकी जो है उसके अंदर से ये फीसिस के थ्रू सिस्ट बन के निकली और वो सिस्ट जो है वो इंजेस्ट कर ली डॉग ने, कंटेमिनेटेड जो है ना वो उसके जो है उसको खाया, विजरा, कंटेमिनेटेड विजरा को खा लिया तो उसके अंदर ये सिस्ट चली गई और डॉग के अंदर ये सारा लाइफ साइकिल जो है उसकी इंटेस्टाइन में हो रहा होता है, ठीक है। उसके बाद ये इसका थोड़ा सा लाइफ साइकिल था आपको समझाने के लिए कि किस तरह से ये होता है लाइफ साइकिल। ये विशेष साइकिल एक स्टार्ट हो जाता है, ये साइकिल इस तरह से चलता रहता है, सिस से एग, एग से सिस, ठीक है, 2 होस्ट इसमें होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके साइन एंड सिम्टम क्या आते हैं, पेशेंट कैसे आएगा आपके पास, पेशेंट कहेगा मुझे जी पेट में दर्द है, मेरे पेट में ऐसे जैसे बहुत दबाव पड़ा है, बहुत वजन पड़ा है, मुझे भार पड़ता रहता है, ठीक है, मेरी उल्टियां नहीं रुकती, मेरा दिल खराब होता रहता है, ठीक है। उसके बाद अगर उसे पहले से मसला पुराना चल रहा होगा, कहेगा मुझे खांसी भी होती है, मेरे सीने में दर्द भी होती है और मेरा सांस भी रुकता है, यानी कि अगर लंग्स में भी वो हाइड्रेटेड डिजीज उसकी फैल गई है तो, ठीक है। बाकी जो साइन एंड सिम्टम है वो डिपेंड करेंगे कि और किस किस जगह पर क्या क्या सिम्टम प्रेशर एग्जर्ट कर रही है हाइड्रेटेड सिस्ट, ठीक है। तो बेसिकली पेशेंट पेन के साथ आएगा और उसको कहेगा मेरे जो है बहुत वजन पड़ रहा है, मेरे बहुत बोझ है, ठीक है। अब हमने इसको डायग्नोज कैसे करना है, हमने इसकी अल्ट्रासाउंड करानी है पेशेंट की, सीटी स्कैन कराना है, एमआरआई कराना है और सीरोलॉजी हमने करानी है, इलाइजा टेस्ट कराना है इसमें, ठीक है। ये 4 टेस्ट हैं इसके, मैनेज हमने कैसे करना है। सर्जरी इसका गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है इसकी मैनेजमेंट का, सर्जरी गोल्ड स्टैंडर्ड है इसका ट्रीटमेंट का, ठीक है। सर्जरी का हमने करते हुए सारा कुछ देखना है कि इसकी जो है कि इनएक्टिव पैरासाइट को हम निकाल लें, सिस्ट को इवैक्यूएट कर लें, जर्मिनल लेयर भी हम इसकी निकाल लें और ये जो स्कॉलिसिस है ना इसकी शेडिंग ना हो, ये स्प्रेड करके जो है सॉइलिंग ना कर दें, खराब ना कर दें बाकी जो कैविटी बची है उसको और बाकी इर्द गिर्द ना फैल जाए ताकि ये दोबारा से जर्मिनेट ना कर दें, ठीक है। इसलिए हमने सर्जरी बहुत ध्यान से इसकी करनी है सिस्ट को इवैक्यूएट करते हुए, ठीक है। तो लास्ट वन इज अमीबिक लिवर अब्सेस। अमीबिक लिवर अब्सेस बहुत ही मशहूर अमीबा इंटमीबा हिस्टोलिटिका, उसकी वजह से अमीबिक लिवर अब्सेस बनती है, ठीक है, वो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। अब हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। ह्यूमन ने क्या किया, कॉन्टेमिनेटेड वाटर जो है वो इंजेस्ट कर लिया या फूड इंजेस्ट कर ली, ह्यूमन के इंटेस्टाइन में अमीबा चला गया, इंटेस्टाइन में जाके ट्रोफोजाइट बने, उन ट्रोफोजाइट ने बड़े होते गए शेड कर गए और वहां से शेड करके इंटेस्टाइन को इवॉल्व को इरोड करके ब्लड में चले गए, ठीक है। ब्लड से जो है वो निकल के जो है वो लिवर में और लिवर से वहां पे उन्होंने हेपेटिक अब्सेस जो है वो बना ली, ठीक है। ये इसका जो है लाइफ साइकिल है, ये आपको समझाने के लिए डाला है, ठीक है, कि इस तरह से ये अमीबा जो है ह्यूमन में तबाही मचाता है, ठीक है। अब इसके साइन एंड सिम्टम क्या होंगे, पेशेंट कहेगा जी मेरे पेट में दर्द होती है, ठीक है, दाई साइड पे होती है, अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन में होती है, पेन इतनी शदीद होती है मुझे कि मुझे लगता है मुझे कोई छुरियां मार रहा है, स्टैबिंग पेन होती है और लगातार होती रहती है, मेरी खांसी नहीं रुकती, मेरा बुखार नहीं हटता, मुझे सर्दी बहुत लगती है जब बुखार चढ़ता है, मेरा पेट खराब रहता है, ठीक है। ये वो ब्लड के साथ डायरिया के भी कंप्लेन कर सकते हैं क्योंकि इंटेस्टाइन की वॉल को अमीबा ने इरोड कर दिया, इसलिए ब्लडी और नॉन ब्लडी दोनों किस्म के डायरियाज हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपका पेशेंट कहेगा कि मुझे जो है वो ब्लड उसका लॉस हो ही जा रहा है, उसको ये प्रॉब्लम है, तो वो थकावट उसको फील होगी, डिस्कम्फर्ट, वो परेशानी का सामना उसे करना पड़ेगा, ये सारी चीजों के साथ जो है पेशेंट आपका आएगा, ठीक है।
डायग्नोज हमने कैसे करना है, स्टूल एग्जामिनेशन हमने करना है कि उसमें ट्रोफोजाइट जो हमने ऊपर देखे थे कि हमें ट्रोफोजाइट तो नहीं मिल रहा, इस तरह के ट्रोफोजाइट जो है स्टूल पे तो नहीं मिल रहे, ठीक है। उसके बाद जो है वो हमने सिग्मॉइडोस्कोपी करनी है, उसमें हमें फ्लास्क शेप अल्सर मिलेंगे, सिग्मॉइडोस्कोपी पे हमें फ्लास्क शेप अल्सर मिलेंगे, ठीक है, फ्लास्क शेप अल्सर। उसके बाद अगर हमने देखा एस्पायरेशन पस की हमने की तो चॉकलेट ब्राउन अपीरेंस मिली, ठीक है। उसके बाद इसकी जो पस का करेक्टरिस्टिक फीचर है कि उसकी चॉकलेट ब्राउन अपीयरेंस होती है। सीरम एंटीबॉडीज हमने कराई और पीसीआर हमने लास्ट ऑप्शन पे कराया, ठीक है। अब एज अ होल ये देखते हैं, अमीबिक केस ने निमोनिक बनाया हुआ है। अमीबिक ए स्टैंड फॉर कि ये अलॉन और एंटीरो सुपीरियर होती है, अकेली होती है ये एब्सेस। एनकवी पेस्ट चॉकलेट सॉस इसका, वो मैंने ऊपर भी बताया कि इसकी एब्सेस में से जो पस निकलती है उसका चॉकलेट सॉस कलर होता है। अल्कोहलिक का लिवर पहले ही तबाह हुआ होता है इसलिए अल्कोहलिक में ज्यादा खतरा होगा। एम फॉर मेट्रोनिडाजोल हम इसको पेशेंट को देते हैं, ठीक है। अगर मेट्रोनिडाजोल जो है वो इनफेक्टिव हो तो फिर हम फर्दर आगे देखते हैं क्या करना है, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन है वर्ल्ड वाइड, ये भी एम फॉर और ई फॉर एडिमा होगा जो कि पेरिफेरली प्रेजेंट होगा, और ई फॉर ऑर्गेनिज्म बहुत ही मशहूर है एंटमीबा हेमोलिटिका। अब हमने मेट्रोनिडाजोल दी पेशेंट को, मेट्रोनिडाजोल हमारी जो है वो फेल हो गई, हमारी जो है मेट्रोनिडाजोल ने काम नहीं किया, ठीक है। हम उसके बाद हम क्या करेंगे कि मेट्रोनिडाजोल ने अगर काम नहीं किया तो उसको जो है हम एस्पायरेट कर देंगे, ठीक है। एस्पायरेट करके हम जो है वो 5 दिन तक नहीं काम किया तो एस्पायरेट कर देंगे। एस्पायरेट करने के बाद जो है रप्चर के चांसेस हो तो भी एस्पायरेट करेंगे, और अगर रप्चर हो गया लेप्रोटमी हम नहीं कर सकते तो भी हम एस्पायरेट करेंगे। और अगर ये एस्पायरेशन वाला मेथड भी फेल हो गया है तो फिर हमने क्या करना है कि इसकी सर्जरी करा देनी है। पर्क्यूटेनियस ड्रेनेज अगर फेल हो गया है और हेमरेज मैसिव हो रहा है और सराउंडिंग टिश्यू इरोड कर रहा है या ब्लड बहुत ज्यादा लॉस होने लग गया है, पेशेंट की जान को खतरा है, उसको मैसिव हेमरेज हो रहा है, तो हमने ये सर्जरी इसकी करा देनी है, ठीक है। अभी टॉपिक बुक से कैसे रीड करना है, सारा ही टॉपिक छोटा सा है, आपने जरूर ये पूरा का पूरा टॉपिक रीड कर लेना, रीड थॉरली इसको करना है। मैनेजमेंट आपने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है, इन्वेस्टिगेशन का आपको पता होना चाहिए, ऊपर पीडीएफ में सारा बताया हुआ है कैसे करना है, ये कॉजेज आप लोगों ने याद कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद ये भी सारा अमीबिक लिवर अब्सेस भी रीड करनी है, मैनेजमेंट याद करने वाली चीज है, इन्वेस्टिगेशन भी पता होनी चाहिए, और ये ऑर्गेनिज्म के नाम याद करने चाहिए होने चाहिए, ये उसमें एमसीक्यूज में आ सकते हैं, और बाकी पूरा टॉपिक पढ़ना है, और ये इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट प्रिवेंशन, ये आप लोगों ने याद कर लेनी है, ठीक है। एज अ होल आप लोगों ने पूरा टॉपिक ही पढ़ लेना है क्योंकि पूरा ही टॉपिक जो है वो छोटा सा है और इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक।